बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे, पत्नी आफशा अंसारी और साले को पुलिस ने भगोड़ा घोषित करते हुए चेतावनी जारी की है। एसपी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भगोड़ा अंसारी परिवार जल्द से जल्द पुलिस या कोर्ट के समक्ष सरेंडर करे, नहीं तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, पुलिस ने उनके घर के दरवाजे पर समन भी चस्पा किया है। गौरतलब है कि मुख्तार के बेटे अब्बास, पत्नी और साले के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मऊ जिले के 3 थानों में बाहुबली मुख्तार अंसारी समेत उनके परिजनों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें पुणे में भी पुलिस तलाश कर रही है, जिसके लिए उनके गृह जनपद गाजीपुर के सभी ठिकानों पर जबरदस्त छापेमारी कर उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए समन उनके दरवाजों पर चस्पा किया गया है। इस मामले में मऊ के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी, उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले पर विभिन्न मामलों में मऊ जिले के 3 थानों में मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कि सभी पर NBW की कार्रवाई हो चुकी है, वे भगोड़े घोषित हैं। पुलिस द्वारा सभी अभियुक्तों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए गाजीपुर स्थित उनके सुनिश्चित ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी की गई, लेकिन वे वहां पर नहीं मिले, जिसके परिप्रेक्ष्य में नोटिस चस्पा कर उन्हें अवगत करा दिया गया है। गौरतलब है कि अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के लिए सोमवार को दिल्ली से लखनऊ तक छापेमारी की गई थी। इस बीच अब्बास अंसारी ने MPMLA कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली है। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।